जय श्री कृष्णा। जब भी हम छोले बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कि बहुत टाइम लगेगा। चलिए आज छोले बनाने की प्रोसेस को आसान कर देते हैं, जिससे आप कभी भी टेस्टी छोले कुकर में बना सकते हैं, वो भी एकदम झटपट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी छोले को धुलकर पानी में भिगाकर रात भर रखा है। हम छोले को डायरेक्ट कुकर में बना रहे हैं, तो आपको इन्हें उबालने की जरूरत नहीं है। अब पहले ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए 3 से 4 मीडियम साइज प्याज को एकदम पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। आप इन्हें फाइन चॉप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्च को रफली चॉप करना है। अब कुकर में 1/2 कप करीब तेल डालकर अच्छे से गरम करेंगे। फिर कुछ खड़े मसाले डालना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो कटी हरी मिर्च और प्याज डालकर अच्छे से चलाना है। करीब 1 मिनट में प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इसमें 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाएंगे और इसकी कच्ची महक जाने तक पकाना है। उसमें करीब 1 मिनट लगेगा। इसके बाद 2 मीडियम साइज टमाटर लेकर फाइन चॉप करना है। आप चाहे तो इसका प्योरी भी बना सकते हैं। चॉप्ड टमाटर को प्याज के मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टमाटर और मसाले साथ में पक जाएं, इसलिए सभी पाउडर मसाले भी यहीं पर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच छोले मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढककर पकाएंगे। अगर लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दें। प्रॉपर ऑयल रिलीज हो गया है, मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अब 2 मीडियम साइज कच्चे आलू लेकर रफली चॉप करना है। आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे ग्रेवी थिक बनती है। आलू को मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स करना है। फिर भीगे हुए छोले डालकर मिक्स करके ढककर करीब 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब पानी डालना है। इसमें जितने छोले हैं उसका करीब 3 गुना पानी लगेगा, क्योंकि आलू और छोले सब कच्चे हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम में और 2 से 3 सीटी लो फ्लेम में पकाएंगे। गैस का फ्लेम बंद करके चेक कर लें छोले पके हैं या नहीं। अगर नहीं तो 1 से 2 सीटी और लगा दें लो फ्लेम में। यहाँ पर अगर पानी ज्यादा हो जाए तो हल्का छोले को मैश करके हाई फ्लेम में बिना ढके 1 से 2 मिनट और बॉईल कर लें। पर अगर पानी कम हो जाए और ग्रेवी बहुत ही थिक बने तो गर्म पानी डालकर हाई फ्लेम में 1 सीटी लगाना है। हमारे झटपट कुकर वाले स्वादिष्ट छोले बनकर तैयार हैं। धनिया पत्ती डालकर चावल, भटूरे या पूरी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इंजॉय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।